प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ जो मंत्रिमंडल का चेहरा है वो भी पूरे देश और दुनिया के सामने होगा। लेकिन मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर तमाम तरीके की खबरें, तमाम तरीके के फॉर्मूले सामने आ रहे हैं। ये सब कुछ तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने फैसलों को लेकर चौंकाते रहे हैं बीते 10 साल में। लेकिन इस बीच उम्मीदें क्या कुछ की जा सकती हैं, किस तरीके की अटकलें हैं मंत्रिमंडल को लेकर, यह समझने की कोशिश आज डिबेट लाइव में हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हैं जो लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी को कवर कर रहे हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक और वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। राजकिशोर जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इस बार की जो स्थिति है क्या सबका साथ सबका विकास वाला फॉर्मूला दिख सकता है? क्या मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है? देखिए, सबका साथ सबका विकास इस बार सही महीने में इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस बार गठबंधन की ज़रूरत है और टीडीपी और जेडीयू वो अपना हिस्सा लेना जानते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो या उससे पहले एनडीए की सरकार रही हो, खासतौर से अगर हम जेडीयू की बात करें तो उन्होंने अपना हिस्सा ठीक से लिया था, और इस बार तो जाहिर तौर पर उन पर निर्भरता भी है तो उनको साथ में लाना ही पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और है, लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत झुककर उस तरीके से वाजपेयी जी के तरीके से काम करेंगे तो ना उस तरीके का मैंडेट है, ना उस तरीके से, मतलब चूंकि नंबर भी बहुत कुछ मायने रखता है, नंबर कम जरूर है लेकिन वो इतना नहीं है कि कोई आंखें दिखा सके बहुत ज़्यादा हद तक। और एक बात और है कि अगर ऐसे आप देखें तो किसके साथ जाने में किसका फ़ायदा ज़्यादा है, तो वो अगर फ़ायदा आप देखेंगे तो चाहे टीडीपी हो चाहे जेडीयू हो, अगर यहाँ पर वो मंत्री बनने अपने अपने राज्यों में वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्या उनको प्रधानमंत्री बनने का ऑफर इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है? तभी निश्चित तौर पर वो उधर जा सकते हैं। चूंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी खबरें चल रही ना, आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को दे दिया है, लेकिन क्या उसके बाद भी इंडिया गठबंधन के इन दोनों को जाने के बाद भी नंबर पूरे हो पाते हैं क्या? तो मुझे लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का विस्तार बहुत ज़्यादा होगा, वो उनके अपने जो हिस्से होंगे उनमें वहाँ पर वो कम कर देंगे क्योंकि उनके नंबर भी कम आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बड़ा मंत्रिमंडल होने वाला है। ठीक है एनके सर, आपको क्या लगता है सर, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ हिस्सेदारी ज़्यादा होगी, या जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, बंगाल या कर्नाटक, यहाँ पर ज़्यादा फोकस होगा कैबिनेट एक्सपेंशन में? देखिए, 16 राज्यों में बीजेपी का वोट परसेंटेज नीचे आया है, जिसमें 9 में तो खाता ही नहीं खुला है, तो लेकिन बीजेपी को उससे ये कहे कि वहाँ से रिप्रेजेंटेशन लेके और इस तरह से लोगों को समझाएंगे, ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल प्रूडेंस नहीं है और करेंगे भी नहीं। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है कि वो झुकेंगे नहीं, मोदी जी बहुत झुकते हैं, कई बार झुके हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं, जो आपने किसान आंदोलन में देखा है कि झुकते हैं। देखिए, दूसरी दिक्कत यह है कि रामोजी राव अब नहीं है इस दुनिया में, कल उनकी डेथ हो गई है। रामोजी राव ही वो शख्स थे जो चंद्रबाबू नायडू को दबा के और डांट के, सच बात यह है कि उनके वो बच्चे की तरह थे, तो डांट के वो बीजेपी के साथ रखते थे। रामोजी राव के न रहने पे अब कोई कंपल्सन नहीं है चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी के साथ रहने का, लेकिन डेवलपमेंट दो तरह के होते हैं, एक जो होता है मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उससे किसी चंद्रबाबू को, किसी नीतीश कुमार को कोई मतलब नहीं है, फॉरेन पॉलिसी है उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ एग्रीकल्चर मांग सकते हैं, जहां तक उसका सवाल है होम मिनिस्ट्री का, होम मिनिस्ट्री इसलिए नहीं दी जाएगी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होम मिनिस्ट्री में है जो किसी और को नहीं दी जा सकती। तो फाइनेंस, फॉरेन और होम, ये छोड़ के वो जो भी चाहेंगे उनको दे दिया जाएगा। स्पीकर पे हो सकता है कि कोई दिक्कत हो, क्योंकि बीजेपी हमेशा चाहेगी कि स्पीकर उनका हो, तो ये, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोलिशन में कोई दिक्कत होगी। हाँ, साल दो साल बाद ये बिल्कुल सही है कि कोलिशन अपना जब पाउंड ऑफ फ्लैश मांगेगा, जब वो अपना हिस्सा मांगेगा, वो हिस्सा ज्यादा होगा, क्या मोदी वो हिस्सा दे पाएंगे, और तब ये दिक्कत आएगी, लेकिन अभी फिलहाल साल दो साल में मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आने जा रही है। ठीक है एनके सर, जो आप कह रहे हैं उसका मतलब ये कि जो सीसीएस है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसके जो मंत्रालय हैं वो चाहेगी भारतीय जनता पार्टी की उसी के पास रहें। राहुल सर, आप सहमत हैं इस बात से? जी, मैं सहमत हूँ।
सीसीए भी, सीसीए भी जी, सीसीए सर, सीसीए में तो एग्रीकल्चर भी है, एजुकेशन भी है, कई और मंत्रालय भी हैं उसमें, मोटे तौर पर सीसीएस की बात ज्यादा होती है। राहुल सर, मैं मोटे तौर पर सहमत हूं, जैसा एनके सिंह जी ने कहा कि मोदी जी ने समझौते किए हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं 2019 की जो उनकी सरकार बनी थी उसके एक दिन बाद ही, शपथ ग्रहण के अगले ही दिन उनको अपनी घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति वापस लेनी पड़ी थी दक्षिण भारत के विरोध के कारण जी। वो उसका, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लोगों ने, लेकिन वो हुआ था। उसके बाद हम जानते ही हैं कि किसान आंदोलन में अपनी पूरी तीनों कानूनों को और पूरी नीति को वापस लेना पड़ा था। ठीक है, तो जब बात जहां पर राजनीतिक अस्तित्व की बात आ जाती है या राजनीति की बहुत ज्यादा कीमत चुकाने की बात आती है, वहां फिर वो समझौता करते हैं। और समझौता ही राजनीति का कह लें कि एक मूल मंत्र है। बिना समझौतों के कोई राजनीति कर नहीं सकता। ठीक है, और मैं समझता हूं कि मोदी जी में इतना लचीलापन और समझदारी जी। सर राहुल सर, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज ढंग से नहीं आ पा रही है। विकास चंद्रा, एक चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, 80-81 मंत्री बन सकते हैं कैबिनेट में जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक, क्या इतनी ही संख्या में कल मंत्री शपथ लेते नजर आएंगे या संख्या सीमित हो सकती है, बाद में उस संख्या को बढ़ाया जाएगा? विकास चंद्रा जी, देखिए अभी तक जो संकेत मिले हैं उसके मुताबिक कल अधिक से अधिक मंत्रियों के शपथ हो जाएंगे, और खासतौर पर जो सहयोगी दल हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके मंत्रियों का शपथ जरूर होगा। और जो बीजेपी के खाते के जो मंत्री होंगे, हो सकता है कि एक विस्तार हो तो उसमें अन्य बीजेपी के लोगों को बनाए जाए, लेकिन जो पार्टी की तरफ से संकेत मिले हैं कि सहयोगी दलों को जो देना है और जो दिया जाना है वो दे दिया जाएगा और अपनी चीज़ें कुछ रोक करके रखी जाएंगी। ये बीजेपी की अपनी एक रणनीति है। और जो अब तक संकेत मिले, हालांकि आधिकारिक तौर पर न पार्टी की तरफ से कुछ बताया जा रहा है और सरकार की तरफ से, आप जानते हैं कि ये मोदी जी के काम करने का एक स्टाइल है कि उनका गोपनीयता वो बनाए रखते हैं, तो सहयोगी दलों को 4-1 के रेशियो में मंत्रालय देने की चर्चा चल रही है, और बीजेपी खुद के लिए 5 के रेशियो या उससे भी ज़्यादा पर रखेगी ताकि सहयोगी संतुष्ट रहे, क्योंकि परिस्थिति 14 और 19 वाली नहीं है, यानी 4 सांसद पर 1। तो इस हिसाब से जेडीयू के खाते में 3 और TDP के खाते में 4, जिसमें जानकारी ये है कि 1 कैबिनेट और 2 MOS जेडीयू को जा सकता है और 2 कैबिनेट 1 स्वतंत्र प्रभार और 1 MOS TDP के पास जा सकता है। और हालांकि दोनों नेताओं की तरफ से, यानी TDP और जेडीयू के नेता जो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बातें नहीं, क्योंकि पार्टी की तरफ से जरूर बातें सामने आ रही हैं। तो ये जरूर है कि कल के शपथ में देखने वाली बात होगी, लेकिन जानकारी यही आ रही है कि सहयोगी दलों को जो देना है वो कल दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन राजकिशोर जी, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, पिछली बार 64 सीटें गठबंधन की थी, 14 मंत्री बने थे, इस बार सीटें घटकर गठबंधन की 36 रह गई हैं। क्या उसी सापेक्ष उत्तर प्रदेश की जो झलक है वो कैबिनेट में देखने को मिलेगी, और खासकर जो जातीय समीकरण हैं, क्या आपको लगता है कि यूपी के संदर्भ में वो ज़्यादा चुनौती होगी, ओबीसी को कैसे एड्रेस किया जाए, ठाकरों को कैसे साधा जाए, ब्राह्मण चेहरा कौन हो कैबिनेट में? देखिए अनुराग जी, जो मेरा अपना अनुभव कहता है और जितनी समझ कहती है, बहुत ज़्यादा ये हम पत्रकारों के लिए विमर्श का विषय होता है कि इस कास्ट का ये मंत्री बना दिया गया है तो इससे कुछ वोट हो जाएगा, फर्क पड़ता है। मैं नहीं कहता हूँ निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल होते हैं और उनके पास जब सशक्त चेहरा हो तो उसके बाद ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और फिर उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही इतना खराब प्रदर्शन तो भारतीय जनता पार्टी या तमाम लोग की भी अपेक्षा नहीं थी कि इतना खराब प्रदर्शन होगा, तो कम सीटें तो वहाँ से आई हैं, तो निश्चित तौर पर उसका ध्यान रखा जाएगा। और उतने जो पिछली बार जितने मंत्री बने थे उतने तो उत्तर प्रदेश को नहीं मिलेंगे, ये तो साफ साफ समझ में आता है। लेकिन हाँ, ये जो बात आ रही थी कि अभी लगातार मोदी के झुकने ना झुकने वाली राजनीति, निश्चित तौर पर समझौतों का खेल है और समझौते करने पड़ते हैं, झुकना भी पड़ता है। लेकिन जिन 2 मुद्दों की बात अभी की गई, इन दोनों मुद्दों पर देखा जाए वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं थे। अगर दक्षिण भारत का मामला था तो दक्षिण भारत वाले मामले में देश का एक ऐसा संवेदनशील हिस्सा था कि वहाँ पर एक अलग किस्म की आग लग सकती थी, और यहाँ पर भी मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं था, वो सीधे सीधे एक अलग किस्म से मामला जा रहा था और तमाम दूसरे तत्व भी उसमें घुसते चले जा रहे थे। उसमें ताली बजाना एक अलग बात है, राजनीतिक तौर पर समझौते हर दल करता है, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। और राष्ट्रीय जब महत्व के मुद्दे होते हैं, अगर संवेदनशील मुद्दा है, अगर वहाँ पर रीजनल अगर कुछ मामले अगर बढ़ते दिखाई पड़ते हैं तो उस पर समझौता क्या, उस पर तो सरकार को टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं और वापस भी आना पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि नायडू, मैंने पहले शुरुआत में कहा कि नायडू और नीतीश को अपना हिस्सा लेना आता है, वो लेंगे ही। लेकिन एक जानकारी के लिए बस आपको बात बता दूं, जैसे जयंत चौधरी
उनको सिर्फ MOS मिल रहा है और कुछ नहीं मिलने वाला है। और चिराग पासवान के यहाँ बस एक कैबिनेट जा रही है और अनुप्रिया पटेल को भी कैबिनेट नहीं मिलने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि हाँ सब कुछ मतलब जो है रेड कार्पेट उनके लिए भी बिछा हुआ है, तो बैलेंस रहेगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें अगर लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा कि सहयोगी दलों की स्थिति तो राजकिशोर सर साफ कर रहे हैं, लेकिन विकास चंद्रा जिसका जिक्र इनके सर अभी कर रहे थे और राहुल सर सहमत थे कि जो CCS के मंत्रालय हैं बीजेपी नहीं चाहेगी कि वो महत्वपूर्ण मंत्रालय सहयोगी दलों को दिए जाएं, लोकसभा अध्यक्ष को लेकर भी कैसी तरीके की स्थिति बीजेपी ने साफ कर दी है। हालांकि हमने देखा पहले बालयोगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी सहयोगी दल के लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। जी बिल्कुल है, जो इनके सर ने जी बिल्कुल देखिए अभी सर ने कहा वो ठीक है, जो संकेत भी पार्टी की तरफ से ही मिले हैं कि जो CCS के मंत्रालय हैं और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं और साथ ही INB मिनिस्ट्री, ये सहयोगियों को नहीं जाएगा, ये बीजेपी अपने पास ही रखेगी। साथ ही आज ये भी जानकारी आई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं वो भी बीजेपी अपने पास यानी मोदी जी अपने ही लोगों को मंत्री उसका बनाएंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। लेकिन बाकी मंत्रालय देने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। तो कल से जो संकेत मिल रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष का जो पद है वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी, और उस पर भी कई नामों को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान बनाए जा सकते हैं या फिर राजनाथ सिंह बनाए जा सकते हैं, किसी बिल्कुल नए चेहरे को बनाया जा सकता है। लेकिन अब तक जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से ये पार्टी यानी बीजेपी अपने पास ही इसको रखेगी। हालांकि दो दिन पहले यह बात सामने आई थी कि TDP की तरफ से इसकी मांग की गई थी, उसके तत्काल बाद बीजेपी ने स्थिति उनको स्पष्ट कर दी थी कि स्पीकर का पद उन्हीं के पास रहेगा। जबकि इतिहास में है कि जब गठबंधन और मिलीजुली सरकार बनी है तो सहयोगी दल के पास से ये पद गए हुए हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी इस मूड में दिखाई दे नहीं रही है। ठीक है, लेकिन एनके सर अगले 1-1.5 साल में हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है, दिल्ली, बिहार, झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने, क्या आपको लगता है कि इस कैबिनेट में इन चुनावी राज्यों की जो झलक है वो भी जरूर होगी या होनी चाहिए? देखिए पॉलिटिकली इस तरह की होता है, वो राजकिशोर ने बड़ा अच्छा कहा कि ये हम पत्रकारों का शगल है, और सच बात यह है कि इससे बहुत अंतर पड़ा नहीं। आप देखिए मोदी जी झुकते कहाँ हैं, टेनी के केस में नहीं झुकते हैं, अजय टेनी के केस में नहीं झुकते हैं, और वो एक खास कास्ट के थे, लेकिन क्या उसके वोट मिले हैं उनको न झुकने से? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में मोदी नहीं झुके तो क्या यूपी में काफी वोट मिल गए, झोली भर के ठाकुरों के वोट मिल गए? तो ऐसा होता नहीं, और ये मोदी जानते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इन राज्यों में हो सकता है कि राज्यों से लोगों को लिया जाए और कहा जाए देखो ये मेरा वाला है। कांग्रेस भी ये करती थी, जगजीवन राम का चेहरा सामने रखती थी, एक मुस्लिम कई चेहरे रहते थे, बीजेपी भी एक मुस्लिम चेहरा पहले रखा करती थी, आजकल तो थोड़ा नीचे कर दिया है, वरना एक चेहरा जब से बीजेपी आई सत्ता में हमेशा एक रखती थी। तो लेकिन इसका कोई बहुत अंतर पड़ता नहीं है। जहां तक मोदी जी का सवाल है, यह बात सही है कि मोदी जी को ये जो मिनिस्ट्रीज हैं इसमें आपने जो पॉलिसीज हैं वो काफी आगे तक आ गई हैं। अब उनको किसी और को दे के कोई रिवर्सल या ड्रिफ्ट हो पॉलिसी में ये कोई भी नहीं चाहेगा, और देश के लिए भी अच्छा नहीं है। लिहाजा MEA मोदी जी अपने पास रखेंगे, मतलब कि वो भाजपा के पास रहेगी, गालिबन डिफेंस भी अपने पास ही रखेंगे। तो हमें लगता है कि आपने सही कहा है, लेकिन कुछ जैसे कृषि है, कृषि भी अब बहुत टेक्निकल हो गया, और अगर आपने कृषि में बहुत मेहनत नहीं की तो ये किसान की नाराजगी आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा रूरल इंडिया में वोट कम मिले हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो अगर रूरल इंडिया ने, आपके पास टाइम होगा तो मैं फिगर भी दूंगा कि रूरल इंडिया में मोदी जी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, इसके विपरीत शहरी इंडिया के जो 145 सीटें हैं उसमें मोदी जी को बड़ा फायदा हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ग्रामीण विकास और कृषि जैसे जो मंत्रालय हैं चाहेंगे कि कृषि हमारे पास रहे। बिल्कुल, लेकिन राजकिशोर जी इससे जुड़ी एक और चीज, वो ये कि जिन मंत्रियों को दोबारा मौका मिलेगा इस कैबिनेट में, जिनको भी मिलता है, आधार क्या होगा? पिछले मंत्री परिषद के तौर पर उनका परफॉर्मेंस, जातीय समीकरण उनका या क्षेत्रीय समीकरण कि ये यूपी से हैं, ये उड़ीसा से हैं, ये कहीं और से? देखिए समीकरण तो ये क्षेत्रीय जाति निश्चित तौर पर होंगे, परफॉर्मेंस की भी बात होगी। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो अभी एनके सर जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर
कृषि वाला जो मामला है, चूंकि बार बार किसानों को लेकर बात हो रही है, किसानों की आय जो दोगुनी करने को लेकर जो बात हो रही थी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इस बार सबसे ज्यादा जोर उस पर ही होगा, किसानों के बीच ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ऐसा मानना है किसानों के बीच में जो नैरेटिव लेकर जाया गया, जो कोशिशें की गई थी किसानों को लेकर, जो कृषि सुधारों को लेकर की गई थी, अब उस वो बहस का विषय नहीं कि वो अच्छे थे या बुरे थे, वो चूंकि वापस हो चुका है, लेकिन निश्चित तौर पर उसको लेकर कैसे नए सिरे से उनका भरोसा जीता जा सके और उनके बीच में जो अलग अलग तरीके की चीजें ले जाई जाती उनको दूर किया जा सके। और दूसरा जो मंत्रालय होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा आत्ममंथन की जरूरत थी और जिस पर चर्चा भी हो रही है, वो है एचआरडी। शिक्षा एक ऐसा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय ऐसा है जिसको शुरू से ही अगर आप देखें तो बहुत लोग मतलब डॉक्टर जोशी के अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो रीत नीति और जो संस्कृति या जो वैचारिक जो उनका अधिष्ठान है उसको बढ़ाने के लिए उस तरीके से कोई मंत्री नहीं था जो अपनी बात तार्किक तरीके से कर सके और जिसको शिक्षा का वो हो। तो मुझे लगता है कि कृषि और शिक्षा वो सबसे इंपॉर्टेंट है और बाकी CCS में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई बदलाव होने वाला है, बशर्ते रक्षा मंत्रालय को लेकर जो बात की जा रही है मुझे मौजूदा समय में अभी उसमें भी बदलाव की गुंजाइश कम से कम दिखती नहीं जो राजनीतिक तौर पर। राहुल सर, उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में ही फिर एक बात सर जिसका जिक्र अभी एनके सर भी कर रहे थे और राजकिशोर जी ने भी किया, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जातियों को साधने की कोशिश की जा सकती है या की जानी चाहिए? खासकर ठाकरों के रेफरेंस में बात की, ब्राह्मण चेहरा है या नहीं है इस पर विचार हो, साथ ही साथ संविधान को लेकर जिस तरीके की बहस चली उसके बाद OBC और दलित की हिस्सेदारी कितनी है यूपी से कैबिनेट में? हर एक इंच इसमें से हर पैरामीटर पर मंथन होगा और सबका ध्यान रखा जाएगा। देखिए, हर प्रधानमंत्री अपनी ओर से और हर पार्टी सभी अपने अपना अपने समर्थक वर्गों और जातियों का ध्यान रखने की कोशिश करती है, उनके प्रतिनिधित्व का प्रयास करती है और ये भी ध्यान रखती है कि उसको आगे जहां विस्तार करना है, जहां उसको अभी समर्थन कम है लेकिन उसको बढ़ाना चाहती है, वहाँ उन प्रदेशों को भी और उन वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि वहाँ पर उसकी उपस्थिति एक प्रभावी ढंग से दर्ज की जाए। ठीक है, तो दक्षिण के राज्यों में भी मुझे लगता है कि ज़रूर उनको उनको मिलेंगी, भले ही वहाँ सीटें कमाई हो लेकिन कोशिश ये होगी कि वहाँ भी वहाँ से भी कुछ लोगों को लिया जाए, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए ताकि वो जब भी जाएं कुल मिलाकर वहाँ पे BJP का प्रभाव और उसकी उपस्थिति महसूस की जा सके, कुछ वहाँ किया भी जा सके। विकास जी, जैसा अभी राजकिशोर जी ने बताया कि देखिए अनुप्रिया को कैबिनेट नहीं मिल रहा है, जयंत चौधरी के खाते में एक सीट आ रही है MOS, साथ ही साथ आपने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी ही इस पद को अपने पास रखेगी, कुछ और इनपुट्स मिल पा रहे हैं ऐसे? क्योंकि अभी तो लगभग 26 घंटे का इंतजार है, हर किसी के जहन में यही सवाल होगा कि कौन इन और कौन आउट। जी बिल्कुल सही, जो राजकिशोर जी ने कहा किसी तरीके की जानकारी आ रही है और अभी सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं जो किसको क्या दिए जाएंगे, और कुछ जानकारी है कि हाँ जो राजकिशोर जी ने कहा कि जयंत चौधरी को MOS मिल जाएगा, और बाकी जो जानकारी जो मैंने आपको पहले साझा किया आपके साथ कि अगर JDU की बात की जाए तो एक कैबिनेट की बात आ रही है और दो कैबिनेट की बात TDP के साथ आ रही है, और जो है कि एक मंत्री पद JDS को, एक RLD को, अपना दल को एक, NCP को एक, और जीतन राम मांझी की बात भी अभी आई है जानकारी कि उनको भी एक मंत्री का पद दिया जा सकता है और वो भी MOS का ही होगा। पवन कल्याण और जीतन राम मांझी रह गए, वो आधिकारिक तौर पर जानकारी कहीं से नहीं दी गई है, और जो बताया जा रहा है जी जीतन राम मांझी के बारे में जानकारी आ रही है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है और उन्हें MOS मिल सकता है, साथ ही पवन कल्याण को लेकर के बातचीत अभी चल रही है कि उन्हें क्या दिया जाए, और क्योंकि TDP के साथ BJP उनको जोड़ करके देख रही है फिलहाल, हालांकि दोनों अलग अलग हैं लेकिन आंध्र प्रदेश में अगर जा रही है सीटें मंत्री पद अगर दिया जा रहा है तो पवन कल्याण को क्या दिया जाए, तो पवन कल्याण पर अभी जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं आई है लेकिन जीतन राम मांझी के बारे में आ रही है कि उनको भी एक MOS का पद मिल सकता है। राजकिशोर जी, आपके पास कुछ और जानकारी? पवन कल्याण की चर्चा हुई, बस उसमें मैं जोड़ना चाहता हूं, देखिए पवन कल्याण या आप मान लीजिए कि जो तेलुगु देशम के साथ में जो समझौता हुआ उसमें पवन कल्याण बहुत बड़ा ब्रिज थे, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पवन नहीं आंधी कहा और उनका स्ट्राइक रेट देखिए, दो संसदीय सीट लड़े
दोनों जीते, 21 विधानसभा लड़े, 21 की 21 विधानसभा जीते, तो निश्चित तौर पर पवन कल्याण का कद बढ़ेगा और वो जिस कम्युनिटी से आते हैं और जो उनके बड़े भाई चिरंजीवी और उनका जो भतीजा है रामचरण, आप सोचिए ये आंध्र प्रदेश की अगर मतलब जो सिनेमा जगत की कही जाए तो फर्स्ट फैमिली है और वहाँ पर फिल्म स्टार बहुत चलते हैं। तो मुझे लगता है कि पवन कल्याण को न सिर्फ गुड ह्यूमर में रखना बल्कि उनको आगे बढ़ाना बीजेपी को सूट करता है और प्रधानमंत्री ने इसके संकेत दिए हैं, तो उनको निश्चित तौर पर कुछ महत्वपूर्ण मिलना चाहिए।